अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि कल AICTE की तरफ से एक बहुत बड़ी चेंज इन्होंने की है कि एक तो इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट अपनी रिमूव कर दी और नई सिलेक्शन लिस्ट निकाली। उसके साथ साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कॉलेजेस इन्होंने यहाँ पे डिलीट किए, कॉलेजेस यहाँ पे इनको जो है सीट कैंसिल कर दी और सेकंड राउंड में भेज दिया। तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा कि क्या अभी और जो है वो सीट्स कैंसिल होने वाली है और उसके साथ साथ इस लिस्ट में जो है वो क्या कुछ चेंजेस आई हैं, जो नई लिस्ट है और कट ऑफ इसमें क्या गया है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और कैंडिडेट्स की सीट्स यहाँ पे कैंसिल नहीं हो जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जिन जिन कैंडिडेट्स को मेल आई थी उन्हीं कैंडिडेट्स की सीट्स यहाँ पे कैंसिल हुई थी और उनमें से सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 400 के ब्लो मार्क्स थे, तो उनको जो है यहाँ पे बाय मिस्टेक कॉलेजेस अलाट हो गए थे ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। तो उनको यहाँ पे AICTE ने क्या काम किया, जब उन्होंने रिव्यू किया उसका तो स्टूडेंट्स की भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स AICTE में गई थी। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि हाँ कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स को कॉलेजेस अलाट हो चुके हैं, तो उन्होंने उनके कॉलेजेस जो है वो डिलीट कर दिए और उनको जो है वो नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट कर दिया। तो जब हम सिलेक्शन लिस्ट को अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्होंने किए हैं। तो अगर आप पिछली लिस्ट देख लेते हैं उसमें आपको लास्ट में जब आप चले जाओगे उधर 18,000 17,000 16,000 के आसपास के रैंक के कैंडिडेट जो ओपन मेरिट में थे, किसी का नर्सिंग में हुआ था, किसी का कुछ और में हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर कम परसेंटेज वाला कैंडिडेट कोई है उसको कॉलेजेस अलाट हो गए हैं, लेकिन वो जो है मैक्सिमम यहाँ पे कैटेगरी वाले कैंडिडेट है। अगर कोई ओपन से भी है तो उसको जो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट वगैरह मिला है या बीटेक की कोई ब्रांच मिली है तो उनमें कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो नर्सिंग वगैरह जिनमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है और जिनमें कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं उनको यहाँ पर जो है कॉलेजेस अलाट नहीं हुए हैं। यानी कि ये जो सिलेक्शन लिस्ट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने जिस तरह से सिलेक्शन लिस्ट आती है उसी तरह से यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट इन्होंने निकाली है। अभी यहाँ पे कोई और जो है सीट कैंसिल नहीं होगी, जितनी कैंसिल होनी थी उन्होंने कल ही कर दी। तो 10 बजे उन्होंने फिर ये यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली फर्स्ट राउंड की। अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कितना हुआ है, क्या हुआ, देखिए कट ऑफ तो मेरे ख्याल से उतना ही रहा है। इसमें उन्होंने बस उन कैंडिडेट्स को रिमूव कर दिया है जिनकी सीट जो है बाई मिस्टेक या बाई टेक्निकल ग्लिच पिछली लिस्ट में रिलीज़ कर दी थी, उनकी सीट्स इन्होंने कैंसिल की है और उन कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड में भेज दिया गया है। बस उन्हीं कैंडिडेट्स को लिस्ट से निकाल दिया, बाकी लिस्ट जो है वही है, सेम एग्जैक्ट 100% वही लिस्ट है। इसमें उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम है जिनका पिछली लिस्ट में भी नाम था, बस सिर्फ उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्होंने रिमूव किया है जिनकी सीट जो है वो बाई मिस्टेक रिमूव कर दिया। बाकी सारे कैंडिडेट्स जिनकी पिछली भी नो अलाटमेंट थी तो इसमें भी नो नाम नहीं है तो उनको यहाँ पर सेकेंड राउंड में भेज दिया गया है और सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो होगी वो जल्दी ही स्टार्ट होगी। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग कर देना और अच्छी तरह से चॉइसिस करना, मैक्सिमम चॉइसिस करना और आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी अगर कट ऑफ में फॉल करोगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था AICTE की तरफ से जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की आपके साथ।